हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी मैं हूँ मार्केट में, मैं कर रहा हूँ शॉपिंग। सिंस मैंने बताया था कि जब रेस्टोरेंट मैंने शुरुआत में खोला था तब मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, अभी भी पैसे नहीं है, बट अभी जो प्रॉफिट निकला है 12 दिनों के अंदर जो प्रॉफिट निकला है, तो उन पैसों से मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट 15 दिन का राशन खरीद के जाऊँ। तो ये पासीघाट का सबसे पुराना है, क्या ये वन ऑफ द सबसे पुराना है, वो भोला सिंह जी का ये स्टोर है, तो यहाँ से मैं खरीदता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कम दाम में मिलता है। सुना है कि पासीघाट में सबसे कम दाम में यहीं पे मिलता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि बजट भी करना ज़रूरी है। ये तो हो गया राशन का सामान, जो सड़ता नहीं है जैसे कि तेल वगैरह, वो सब हम लेके जाएंगे। आलू प्याज वगैरह लेके नहीं जाएंगे, नहीं प्याज तो खरीदा था उस दिन, प्याज तो चलता है, बट जो सब्जी मीट वगैरह होता है वो हम खाने के दिन में जब रेस्टोरेंट ओपन करते हैं उसके एक दिन पहले ही हम खरीदेंगे। ऐसे मैं फ्रोजन फूड लेता हूँ जैसे कि स्वीट कॉर्न हो गया, वहाँ पे भी लेके जाऊँगा, और बहुत सारा स्टोर्स है सब्ज़ी का दुकान, वहाँ पे भी लेके जाऊँगा। मैं कहाँ कहाँ से कितने बजट में शॉपिंग कर रहा हूँ मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। और आज के वीडियो में मैं थोड़ा सा अपना जो बिल्डिंग है, जो मेरा पूरा लेंसिंग वीकली कॉम्प्लेक्स है, उसका भी टूर करके आप लोगों को दिखाऊँगा। और आज मैं जा रहा हूँ ईटानगर भी जा रहा हूँ, तो एक डेविड खमतीन बोल के आप जानते होंगे, जिनका पहले पतंजलि नाम से इंस्टाग्राम में पेज था, ही इज़ अ वेरी फेमस गाय, वेरी फेमस टिकटॉकर कम रीलर, तो उनसे भी मिलवाऊंगा क्योंकि हम दोनों साथ में ईटानगर जा रहे हैं। मेरा काम है तो उनको जाना था विंगर से, तो मैंने कहा कि मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ, विंगर से क्यों जाना जबकि मैं जा ही रहा हूँ। तो अभी पापा का वेट कर रहा हूँ, पापा भी आएंगे और हम वीडियो बनाएंगे शॉपिंग करते हुए। मैदा 10 किलो दे दीजिए और चीनी भी 10 किलो दे दीजिए, चीनी बहुत जाता है। और क्या दिमाग में नहीं आ रहा है। ओह हाँ, दूध दे दीजिए, दूध 10 कार्टन दे दीजिए। मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है, बट धीरे धीरे याद करके आराम से मैं लूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि क्या क्या लिया है। तो मुझे जितना याद था मैंने बोल दिया है भैया जी को, तो भैया जी एक बार रिपीट कीजिए ना। ये हो गया टोमेटो सॉस 2 केस जी, चाऊ 15 कार्टून जी, मैदा 10 किलो जी, चीनी 10 किलो जी, रिफाइंड टीना वाला 2 टीना, गुड लाइफ मिल्क 10 कार्टून, ब्लैक सॉल्ट 6 पीस, नेस्कैफे 30 बोतल 1 केस, डबल हनी 8 बोतल्स, नैपकिन 70, फूड कंटेनर मीडियम साइज का 1 कार्टून और 1 कार्टून, स्टील सिंपल 2 पीस दिया, और ये वो टिश्यू पेपर का लिखा है आपने, टिश्यू पेपर लिख लिया मैंने, और वो भी पैकिंग वाला लिखा है ना, मोमो। हाँ मोमो पैकिंग का। पापा भी आ गए हैं अभी। ये वो टमाटो सॉस 2 कार्टन ना, उसमें 24 पीस आएगा, और चाउमीन एक दिन में 1 बॉक्स जाता है तो 15 बॉक्स दीजिए, 15 20 दे दीजिए, 20 कार्टन दे दीजिए। वो अब तक ये लोग यहाँ पे सामान को लोड करेंगे, तब तक पापा हम दोनों दही लेने जाएंगे। अभी दही का हम ऐसा करते हैं, बस 2 दिन का स्टॉक लेते हैं लस्सी बनाने के लिए, क्योंकि दही क्या होता है 2 दिन के बाद ख़राब हो जाता है ना, तो इसलिए एक दिन में अराउंड 5 पैकेट जा रहा है, तो हम 10 पैकेट लेते हैं 2 दिन का एक साथ। अभी स्मार्ट सिटी जब से हुआ है तब से पासीघाट का नक्शा चेंज हो गया है, पूरा जितना भी गली गली का रोड है वो भी एकदम बढ़िया हो गया है, और सब कुछ है पासीघाट में अभी, KFC बोलो, फॉरएवर 21 बोलो, सब कुछ है, मॉल्स, बड़े बड़े मॉल्स है, रिलायंस का मॉल्स है, मॉल है, सब कुछ है, और रोड डेवलप हो गया है, और ये भी गवर्नमेंट की तरफ से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर आ रहा है, ये इसमें मार्केट बनेगा क्या पापा। यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर्स है और जो मिनिस्टर्स है वो लोग ऑनेस्टली अपना काम तो कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो खाएंगे वो तो श्योर है, लेकिन पॉकेट में भी जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम डेवलपमेंट में लगा रहे हैं जो कि अच्छी बात है। भैया 10 पैकेट दही दीजिए, खट्टा वाला सियांग बेकरी। अभी वो आना बाकी है, एक मूवी थिएटर, एक इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा टाउन है और सबसे ओल्डेस्ट टाउन भी है, बट एक मूवी थिएटर नहीं है। मैं सोचता हूँ खोलने की, बट ये क्या होगा पता है, अगर मैं खोल भी लूँगा तब दूसरे लोग चीटिंग करने लगेंगे और वो लोग भी खोलना शुरू कर देंगे। यहाँ पे ऐसा होता है, दूसरों का वेट करता है बिज़नेस करने का, कि अगर वो बिज़नेस नया बिज़नेस करेगा और वो सक्सेस होगा तो हम भी खोलेंगे टाइप का, तो उससे क्या होता है कि ना उसका फ़ायदा हो पाता है और मैं भी डूब जाता हूँ, ऐसा होता है। जितने भी बिजनेस मैन है, एंटरप्रेन्योर्स है, मैं उन लोगों से ये बोलूँगा कि आप लोग खुद का क्रिएटिव आइडिया लेके आइए, दूसरों की कॉपी मत कीजिए, क्योंकि ऐसा उनसे क्या होता है कि ना आपका बिज़नेस चल पाता है ना हमारा बिज़नेस चल पाता है। हमने पैकिंग करने का सामान भी ले लिया है, स्ट्रॉ वगैरह, उसके बाद ग्लास वगैरह, पैकिंग चार्जेस लेंगे हम 10 रुपये। गाइस सामान इंस्टॉल हो गया है, टोटल बिल आया है 40,442, कम करके लगा दिया ना, ठीक है 24,000 है, तो 16,000 गूगल पे कर देगा, गूगल पे 16,442 रुपीस करना पड़ेगा। तो गाइस मैं वही कह रहा था, आप लोग देखिए 15 दिन का जो हमने राशन लिया है उसमें 40,000 गया है, फिर गैस का खर्चा अलग से, फिर डेली मीट वगैरह सब्जी वगैरह मिला के 5-6 हज़ार का खर्चा जाता है, और स्टाफ को भी सैलरी देना होता है, तो
बात का कैसा होगा पता नहीं, बट स्टार्टिंग में तो मेरा बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इवन मैं लॉस में जा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा जितना कैश है ये प्रॉफिट का था और 16,000 मैं अपने पॉकेट से पे कर रहा हूँ। तो भी है, कोई भी बिजनेस में कोई भी बिजनेस करना ईजी नहीं होता, शुरुआत में आप लॉस में जाओगे ही जाओगे, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आगे हम जाके अमीर होंगे। मैं बाइक से जा रहा हूँ और पापा आगे गाड़ी से जा रहे हैं, मैं पापा के पीछे पीछे। यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं दिया जाता, फिर भी मुझे यहाँ से लेना पड़ता है क्योंकि ज़रूरत का सामान यहीं से मिलता है और कहीं नहीं मिलता है, तो उपाय नहीं। तो यहाँ पे बजट, यहाँ पे मेरा एक्स्ट्रा बजट जा रहा है, तो उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। एक दिन में 2 सोया सॉस जाता है, ये जो हम लेते हैं लिकुम की का, एक का है 250 रुपीज़, 255 रुपीज़, बहुत ही महंगा है, तो बहुत खर्चा होने वाला है। अभी अपने बजट के हिसाब से लूँगा, मेरे अकाउंट में बस 6,000 रुपीज़ है। ये स्मार्ट पॉइंट है मेरा लास्ट स्टॉप, यहाँ से मुझे लेना है स्वीट कॉर्न फ्रोजन वाला और लेना है क्या था ऑयस्टर सॉस, यहाँ पे बहुत रेट कम में मिलता है इसलिए मैं यही से लेता हूँ। तो वैसे बस स्वीट कॉर्न ही मिला है, ऑयस्टर सॉस नहीं मिला है, थोड़ा दिन के बाद देखना पड़ेगा। 8974 8974 55 55 1 1। और कैसे अभी मैं जाने के लिए रेडी हूँ ईटानगर, सामान पैकिंग हो गया मेरा, और जाने से पहले बिल्डिंग का थोड़ा सा टूर करवा लेता हूँ। ये मेरा पूरा का पूरा बिल्डिंग ये मेरा है, इतना बन चुका है। ये मेरा रेस्टोरेंट है और ये जो पूरा बिल्डिंग है बन चुका है, नीचे 5 रूम, ऊपर 5 रूम और ऊपर 5 रूम, उसके ऊपर ही बनेगा, टिन का बनेगा लास्ट वाला। और अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा टूर करके दिखा देता हूँ। तो ये जो है, ये वाला जो रूम है ना, इसमें डबल रूम होगा, यहाँ पे बाथरूम होगा, यहाँ पे एक सिंगल रूम, और यहाँ पे किचन कम रेस्टोरेंट, और सॉरी किचन कम रेस्टोरेंट पागल हो गया, किचन कम कॉमन रूम होगा यहाँ पे, सिर्फ मैं शो के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ तो हड़बड़ी में हूँ। तो और ये वाला सिंगल रूम होगा, यहाँ से भी 1 BHK का बनाएंगे, एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूँ ये वाला, ये देखिए ये कॉमन रूम छोटा सा, और ये पर्सनल रूम, यहाँ पे बाथरूम अटैच होगा, यहाँ पे एक छोटा सा खिड़की होगा और ऊपर में खिड़की होगा, ऊपर में वेंटिलेटर होगा ताकि ये रूम अंधेरा ना हो ना। और इस कॉरिडोर से हम जाते हुए ये होगा किचन, और यहाँ पे खिड़की वगैरह होगा। और इस रूम का जो भाड़ा है, इसको टाइल्स भी करूँगा मैं फ्लोरिंग को, और इस रूम का जो भाड़ा है मैंने रखा है 4,500 मंथली, और जो वो वाला रूम है उसका 6,500। और ये तो होगा ज़ुम्बा क्लास यहाँ पे, तो आप लोग ज़ुम्बा क्लास डांस क्लास करना चाहते हो तो यहाँ पे आ सकते हो, तो इसलिए बड़ा सा बनाया है। इसका भी स्ट्रक्चर होगा ऊपर में सेम वाला, तो 6,000 होगा उसका, और इसका वही सेम 4,500 वाला ऊपर में बनेगा। फ़िलहाल के लिए ज़ुम्बा का तो ये पूरा का पूरा ऑक्यूपाइड है, फ़िलहाल के लिए ऑलमोस्ट हमारा 5 रूम बन गया है, नीचे का तो रेंट दे दिया है और ऊपर वाला फ्लोर ऐसा है। इतना बना है, बनना बाकी है, मेरे पास पैसे नहीं इसलिए काम पेंडिंग है, क्योंकि रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। और सबसे ऊपर से हमारा GTC ऐसा दिखता है, और ये सबसे ऊपर वाला फ्लोर है ये, तो यहाँ पे भी एक लास्ट फ्लोर बनेगा, जैसे वहाँ पे टिन का सबसे ऊपर का किया ना वैसे मेरा भी होगा, ताकि थोड़ा बजट हो जाए, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा इसलिए। तो फाइनली अभी मैं जा रहा हूँ ईटानगर, आज शो है, बहुत डांट पड़ेगी मुझे, मैं बहुत लेट हो गया हूँ, सिंस आप लोगों को पता है मैं यूट्यूबर हूँ तो व्लॉगिंग भी करना होता है, सिंगर हूँ तो शो भी करना होता है, व्लॉगिंग भी आज कर रहा हूँ, शो भी आज कर रहा हूँ, और रेस्टोरेंट का भी ऑनर हूँ, तो आज रेस्टोरेंट का भी मार्केटिंग करने गया था। एक्चुअली पापा भी जा सकते थे, बट पापा को कहाँ से खरीदना होता है वो पता नहीं है, तो पापा को मैंने बता दिया है, अभी अगला बार वो शॉपिंग आराम से कर लेंगे मेरे एब्सेंस में, तो यही है। और एक बार मेरे आप लोगों को बाय बाय कर, ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो ना जी, जरा चलिए चलिए, ऑल द बेस्ट, हम जा रहे हैं ईटानगर, हाँ ठीक है, हम ईटानगर जा रहे हैं, आप लोग ऑल द बेस्ट ना, ठीक है, थैंक यू सो मच, हम ईटानगर जा रहे हैं, ऑल द बेस्ट ना, अच्छा से, हाँ ठीक है, थैंक यू। ये पीछे से ये बिल्डिंग है मेरा, और पीछे से घर निकलता है, ये देखो घर, यहाँ तक ऑल द बेस्ट ना, थैंक यू। तो
बहुत लेट हो रहा हूँ। एक बहन को उठाना है और एक फेमस टिकटॉकर को उठाना है, रीलर को, डेविड कम्प्टन। उनसे थोड़ा बातें करते हुए जाएंगे क्या? बाइक का चाबी टेबल में होगा। बाय बाय, रुको मम्मी। हाँ मम्मी को फिर से एक बार, ठीक है, बाय बाय। हाँ हम जा रहे हैं, बाद में मेरा नंबर कॉल कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बहुत लेट हो रहा है। ओके बाय बाय। हाँ हाँ बाय 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 बाय। एक हफ्ता बाद आएगा मम्मी, पापा देखेंगे मम्मी को। तो मेरे जो नगीना सिंह करके एक भैया है, उनसे बातें कर रहे थे। मतलब मेरे सब्सक्राइबर है, बट मुझसे इतना प्यार करते कि हम फैमिली की तरह हो गए। अभी दो मेरे पार्टनर्स को उठाना है, मतलब जर्नी पार्टनर को उठाना है, और सुरक्षा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, गला आवाज़ भी गुम होते हुए काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो अभी 3 बज गए हैं, मेरा शो है 7:00 PM और ईटानगर लगता है 5 घंटा, तो मैं कम से कम 8 बजे तक पहुंचने की कोशिश करूँगा। सीट बेल्ट लगा लिया सेफ्टी के लिए, फाइनली गाड़ी में बैठ गया हूँ तो थोड़ा सा भी रिलैक्स हो गया हूँ। मैं डेविड, आप लोगों को डेविड से मिलवाऊंगा। ही इज़ अ वेरी फेमस गाय, बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स, ऑलमोस्ट मिलियन में, हर वीडियो उनका मिलियन में व्यूज़ जाता है इंस्टाग्राम पे। तो मेरी लिए सौभाग्य की बात है कि मैं उनको, उनके साथ जर्नी करने वाला हूँ। कितना सुंदर है पास से गाड़ी, देखो ये रास्ता जो है ना, मेरा फेवरेट है। हेलो, हाँ डेविड, आई एम सो सॉरी, आपका लोकेशन बताइए, नाम जो निकल गया। अच्छा ये लोकेशन क्या है? हाँ नौकर घर में, क्या नौकर रेंट में? नहीं, हम दोनों यहाँ में, क्या बोलते ये मेरे सुमो स्टेशन, वो विंगर वाला, वो विंगर, वही मेरे को, हम तो 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ, मार्केट में है। अभी जिनका आवाज था उसका नाम था जेम्स लेवांग, जो कि मेरे मूवी आफ्टर लाइफ में भी आने वाला है। अभी आफ्टर लाइफ मूवी भी 2 महीने के बाद रिलीज होगा, 2 महीने के बाद मतलब 1 महीने के अंदर शूटिंग खत्म होगा, अगस्त तक रिलीज हो जाएगा, तो ये गारंटीड है। और उसमें वो भी आने वाले हैं, और उन्होंने रिसेंटली मेरे साथ KGF का व्लॉग भी बनाया, और उन्होंने रिसेंटली यूट्यूब चैनल शुरू किया है। पहले वो बस रील्स बनाते थे इंस्टाग्राम में, बट अब यूट्यूब में भी घुस गए। तो सिंस वो अभी मेरे कम्युनिटी के हैं, तो मेरे भाई जैसे हैं, और ऊपर से मेरे ही जगह के हैं, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, आप लोग भी कीजिएगा। ही इज़ अ वेरी डिजर्विंग गाय, बहुत ही मेहनती लड़का, उनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। KGF वाला व्लॉग आप देखना तो पता चल जाएगा कि वो कौन है, और ऑलरेडी बहुत लोग तो जानते हो फिर भी। वेलकम डेविड, हेलो, आप हेलमेट पहन के जाएगा? ठीक है जेम्स, तब तो ना, टेक केयर ना। आप अभी भी, मैं इनके बारे में बता रहा था, इनका चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, द मोस्ट हैंडसम गाय ऑफ पासीघाट। थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय बाय। हां बहुत मिस करेगा जेम्स, और डेविड जो जेम्स को आएगा वो 2-4 दिन में। ठीक है, चलो चलो डेविड निकलो। आप दुखी है क्या जेम्स को छोड़ के जा रहे हो? नहीं, कैसा दोस्त है, दुखी भी नहीं होता, मिलते बहुत जल्दी, नेक्स्ट टाइम दुखी होगा। हां ठीक है, चलो बाय। तो जितना मेरे पास बैलेंस है उतना का ही मैं भराऊंगा। मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है अभी। 1950 रुपीज़ है मेरे अकाउंट में भैया। 1900 का भरा दीजिए पेट्रोल भैया जी। एक्चुअली ऐसा ना, मेरा रेस्टोरेंट खुला है ना, तो उसके वजह से मेरा पूरा पैसा खत्म हो गया, तो इसलिए अभी मेरे बैंक बैलेंस के पास 1900 रुपये है, 1900, तो उसी का भरा रहा हूँ। जिनके बारे में पता था उन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ है, क्योंकि उनके मम्मी को पता नहीं है कि वो यहाँ पे है पासीघाट में मेरे साथ। अभी वो जा रही है ईटानगर, और ये है हमारे हैंडसम अंक। हेलो, तो डेविड आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, आपको बस हम इंस्टाग्राम में देखते थे। अच्छा। तो पहली बार पर्सनली मिलने का मौका मिल रहा है, और स्पेशली जितने भी यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, आपको मेरे व्लॉग में देखे बहुत खुश होंगे। अच्छा, हम इंस्टाग्राम में देखते हैं, आप रियल में बिल्कुल अलग हो, इंस्टाग्राम में बहुत ऐसा चंचल टाइप का ना, रियल में इतना शांत ना। अभी आप फर्स्ट टाइम मिला है बोल के, ऐसा ही है ना। सब लोग यही बोलते हैं कि बहुत टॉकेटिव होगा लगता है, बट देन रियल में ऐसा नहीं है ना, समय लगता है धीरे धीरे, मतलब जिनके साथ क्लोज है उनके साथ तो थोड़ा फ्रैंक हो ही जाता है ना।
और मतलब आपको थोड़ा जर्नी के बारे में बता दीजिए, मतलब स्पेशली जितने भी मेरे यूथ सब्सक्राइबर है, फॉलोवर्स हैं, वो लोग जो क्या होता है कि मुझसे भी अपने यूट्यूब जर्नी के बारे में पूछते हैं, तो कई लोग मेरी तरह यूट्यूबर बनना चाहते हैं, व्लॉगर सिंगर बनना चाहते हैं, तो वही चीज़ मैं भी आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत लोग इंस्टाग्राम रील्स में भी आजकल फेमस हो रहे हैं, पहले आप लोगों ने तो ऑब्वियसली टिकटॉक से ही शुरू किया था, तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी अगर आपके अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं तो अर्निंग बहुत है, तो बहुत लोग आप लोग से इंस्पायर होते हैं कि मुझे भी डेविड की तरह बनना है करके, तो उसके बारे में अपने थोड़े जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा कि आपने शुरू कैसे किया है और अभी आप क्या कर रहे हो, फ्यूचर का क्या प्लान है, आप इतने फेमस कैसे हुए वो बता दीजिए शॉर्टकट में। इन शॉर्ट मैक्सिमम लोग तो मुझे पतंजलि के नाम से जानते हैं, एंड बहुत लोग के ये सवाल होते हैं कि लाइक व्हाई योर नेम इज पतंजलि, है ना, तो मेरा जवाब लाइक बहुत लोग को नहीं पता है, मेरा ये होता है कि मेरा कंटेंट थोड़ा सा वियर्ड होता है, काइंड ऑफ फनी होता है, लेकिन मैं बेबी फिल्टर लगाता हूँ, है ना, तो लोग लेकिन बिना बेबी फिल्टर के भी आप बेबी तरह बेबी ही दिखते हो, यही कहते हैं सभी लोग, तो वही है उसके रिलेटेड मैंने पतंजलि नाम रखा था, तो बहुत लोग पतंजलि के नाम से जानते हैं, एंड जाने क्या बताऊँ, जैसे कि मतलब जैसे कि अभी आपके इतने फॉलोवर्स है वो गेन करने के लिए तो आपने बहुत मेहनत किया होगा, और क्या क्या प्रॉब्लम फेसेस किया, क्योंकि ऑब्वियसली जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं उनको उनके बारे में लोग बहुत गलत कहते हैं, बहुत मतलब गिराने की कोशिश करते हैं ना, फिर भी आप इतने फेमस हुए, वो कैसे हुआ, मतलब अभी मतलब कौन सा वीडियो वायरल गया या फिर क्या हुआ ऐसा कुछ ओके कैसे लोगों ने आपको पसंद करना शुरू किया, मतलब जितना क्रिटिसाइज कर लाइक करना चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं ऐसे लोग करते हैं ना, वो मुझे शायद नहीं मिला, बहुत कम लाइक बहुत लोग का पॉजिटिव सपोर्ट, ज्यादातर प्यार ही मिला ना, ज्यादातर प्यार ही मिला, जितना लाइक मैं कमेंट चेक करता हूँ, एक दो तो ऑब्वियसली होते ही होते हैं, बट द 99% आर पॉजिटिव होते हैं, आई थिंक दैट्स द रीजन लोग ज्यादा प्यार करते हैं, और थोड़ा लाइक आगे बढ़ रहा हूँ, मैं MSc कर रहा हूँ, MSc ओके, कौन सा सब्जेक्ट में, बॉटनी ओके, तो आपकी उम्र कितनी है अभी, अभी 23 ओके, काफी यंग हो, मुझसे 5 साल छोटे हो आप, वही इसी तरह लाइक पढ़ाई लिखाई भी है एक साइड में, और सोशल मीडिया लाइक इसको हैंडल करना भी आसान नहीं है, डिफिकल्ट होता है एग्जैक्टली, तो जो भी थोड़ा बहुत समय मिलते हैं तो थोड़ा सोशल मीडिया पर देता हूँ, मुझे लगता है कि लाइक पढ़ाई को अगर मैं छोड़ दूँ और इसको फोकस करूँगा तो शायद स्कोप है बहुत ज़्यादा, नहीं फिर भी मेरे ख्याल से आप रश मत करें, जैसे कि मैंने भी अपना जो यूट्यूब करियर है ग्रेजुएशन करने के बाद और बीएड करने के बाद शुरू किया था, मेरा ग्रेजुएशन 2017 में हुआ और 2019 में मैंने बीएड कंप्लीट किया, तब मैंने जाके शुरू किया था यूट्यूब, तब उससे क्या हुआ कि मुझे एकदम फ्रीडम मिल गया, मैं जो करना चाहता हूँ कर पाया ना, तो आप ऐसा कीजिए आपका अगर गोल MSc तक का है पढ़ाई में तो MSc कर लीजिए, उसके बाद आप फोकस कर सकते हो, वही मैं तो कहूँगा कि फिलहाल के लिए आप दोनों में फोकस कीजिए ना, मैं तो वही बोलूँगा दोनों को बैलेंस करते हुए चलिए, ऐसा क्यों लग रहा है आप नर्वस हो रहे, चेहरा लाल लाल हो रहा है, ऐसे होते हैं ना मेरा, आप कैमरा कॉन्शियस है अभी भी, हाँ ये इतना फेमस होने के बाद भी, मैं अलग जो लोग मुझे जानते हैं लोग नोटिस करते हैं कि चार दीवार के अंदर ही ज्यादा मैं होता हूँ, तो लाइक मेरा जो भी वायरल वीडियो होगा चार दीवार के अंदर ही होगा, एंड मेरा जो यूट्यूब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था वो फूड ब्लॉग से स्टार्ट किया, जो कि मैं खुद अकेला होता हूँ, खाता हूँ, खुद बनाता हूँ एवरीथिंग, तो ऐसे लाइक आउटडोर वाला चीज़ तो मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक, तो थोड़ा बहुत शाय होता है कैमरा, लेकिन लड़की लोग को तो ऐसे वाला लड़का पसंद है, मतलब स्मार्ट भी हो लेकिन शाय भी हो, ज़्यादा ओवर स्मार्ट वाला पसंद नहीं करता लड़की लोग, तो आप लकी है लगता है, हस्बैंड मटेरियल भी हो, हाँ लगता है खाना बहुत अच्छा बनाते हैं हम अच्छा अपना तो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है ना, मेरे बारे में मैं आपसे पूछूंगा थोड़ा कि मुझे कैसा जाना आपने, मतलब फर्स्ट टाइम कैसा कौन सा वीडियो देखा था, ऑब्वियसली आप भी मुझे जैसे मैंने आपको आपके वीडियोस के थ्रू जाना, आप भी मुझे उसी के थ्रू आपने भी जाना होगा, तो आप कैसे जानते हो मुझे, ओके आपको जानना लाइक क्या होता है कि हमारे अरुणाचल में आप बहुत मशहूर है अभी भी, जो आप काम करते हो लाइक डोनेशन एंड ऑल, थैंक यू सो मच, हमारे तिराप डिस्ट्रिक्ट में जो भी हुआ था लाइक 5 लाख समथिंग मैंने देखा था वो व्लॉग भी, और इसी के थ्रू आपको बहुत लोग जाने हैं, तो वही है वो रूट्स है, एंड धीरे धीरे आपको जाना मैंने, एटलीस्ट आप जैसा फेमस पर्सनैलिटी मुझे जानता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है,
तो वही है अभी। मैं जितने भी सोशल मीडिया में से रिलेटेड स्पेशली जो लोग हमारे जगह के होते हैं, नॉर्थ ईस्ट के होते हैं, इंडिया के होते हैं, उनको मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ दिल से। मैं चाहता हूँ कि वो सभी के सभी आगे बढ़े, हम लोग साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे की मदद करें। मैं इनको वही बोल रहा था उस दिन भी जब मेरे रेस्टोरेंट में आया था, तो मैंने बोला कि आप व्लॉग में घुस जाइए करके ना, मतलब इंस्टाग्राम भी कीजिए, वो तो इंस्टाग्राम तो करने में तो आपको तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, एक रील में तकरीबन कितना मिनट लगता है या फिर घंटा? मेरा जो है, मेरा जो कंटेंट होता है, मैं सच बताऊं तो बहुत इजीली हो जाता है, इजीली हो जाता है। हाँ, तो लोग इसको पसंद भी करते हैं, तो मेरे लिए मतलब बहुत आसान हो गया। आसान हो गया। हाँ, कभी कभी कुछ छोटा मोटा ऐड वगैरह मिल जाते हैं। हाँ। जो कि मुझे उसमें 3-4 रोल प्ले करना होते हैं। हाँ। उसमें लग जाते हैं लाइक आधा घंटा 1 घंटा ऐसा ना। एग्जैक्टली। तो आप एक्टिंग भी बहुत अच्छा करते हो, मतलब बेसिकली एक्टिंग के वजह से ही फेमस है इनका, बस ऐसा डांस वगैरह ज़्यादा नहीं करते ये। और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत जल्द हम फिल्मों में भी देखेंगे। आप ट्राई करिए ना बॉलीवुड वगैरह में भी, ऑडिशन वगैरह दीजिए, देखते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसे बॉलीवुड तक, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं कि ऐसे जाऊँगा, बट आगे में अगर कुछ होता है रास्ता तो डेफिनेटली चाहिए। इश्क का धागा टूटे ना, बहते अश्कों के धारों ने सब लगा। कैसा लग रहा है डेविड? नींद आ रहा है ना? हम चलाते इतना बोरिंग से, इतना कितना 20 के स्पीड में लेके जा रहा हूँ मैं, बहुत लेट हो रही है मुझे, फिर भी मैं आराम से चला रहा हूँ 20-30 के स्पीड में। अभी हम लोग कुछ पीने के लिए आए हैं, कॉफ़ी पियेंगे, फिर थोड़ा बातें शाते करते हुए जाएंगे। अभी शाम भी हो गया है, आप बाहर देख सकते हो। तो गाइस मैं शो के लिए बहुत लेट हो रहा था, तो मेरे भैया अभी उनको यहाँ से छोड़ेंगे नाहरलगन से, इनको जाना है ईटानगर में। तो थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और हम बहुत जल्दी मिलेंगे। भैया अभी आपको छोड़ देंगे, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ एक्चुअली, तो इसलिए अभी मैं यहाँ से ऐसे ही निकल रहा हूँ, और डेविड जो जाएंगे, अभी बज रहे हैं रात के 9। ठीक है, थैंक यू। आपको बोर कराया, आप सो गए, ज़्यादा गाना गा दिया हमने, आप पीछे बैठे थे ना, इसलिए हो जाए। मैं भी बहुत थक गया हूँ, बट बहुत जल्दी मिलेंगे अच्छे से। ठीक है, तो गाइस आप सभी को हैप्पी फर्स्ट एवर अपरदानी यूथ फेस्टिवल। अभी मैं रेडी हो गया हूँ फाइनली, और अभी परफॉर्म करने वाला हूँ, तो परफॉर्म करने से पहले खाना खाऊंगा। और ये हमारा ट्रेडिशनल डिश अपरदानी कम्युनिटी का, तो बहुत टेस्टी है। अभी गाना भी गाना है, तो एनर्जी चाहिए। जल्दी जल्दी खा के, गाना गा के मैं ब्लॉग को ख़त्म करूँगा। नेक्स्ट अब आने वाला सेकंड एडिशन में, जब करेगा क्रीडा मार्टी मींस आरएसएस का स्पोर्ट्स विंग है, मैं उसका स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। वो जो है आपका खेलो इंडिया टॉप प्राइस 5000 है, प्राइस गोज टू यवन ताली। तो यवन ताली मंच पर आ जाइए।